नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। देश के कई राज्यों में 28 नवंबर तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके बाद ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी रविवार 26 नवंबर को महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण और अन्य जगहों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 27 नवंबर को हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा आज के मौसम की अगर बात की जाए तो दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे और धुंध का अनुमान भी जताया गया है। वहीं 30 दिसंबर के बाद से दिल्ली NCR में तापमान गिर जाएगा। मौसम विभाग की अगर माने तो 27 नवंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बिजली और आंधी देखने को मिल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में शनिवार को वायु गुणवत्ता आंशिक रूप से सुधरी है, लेकिन अब भी खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता पर नजर रखने वाली एजेंसियों को उम्मीद है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम संबंधी परिस्थितियों में रविवार को सुधार हो सकता है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब और 301 और 400 के बीच बेहद खराब, यानी कि 401 और 450 के बीच गंभीर एवं 450 के ऊपर अत्यंत गंभीर श्रेणी में माना जाता है। आपको बता देते हैं कि कहां कहां पर बारिश होगी। दरअसल मौसम विभाग ने 27 नवंबर को पश्चिमी यूपी के कई जिलों और पूर्वी यूपी के एक या दो स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटों में तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ एक तरफ पश्चिमी हिमालय पर है तो दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र है, जिसके प्रभाव में 26 नवंबर को एक कम दबाव का क्षेत्र ये बन सकता है, जो कि 27 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के ऊपर डिप्रेशन में बदल सकता है। दिल्ली में फिलहाल बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो इन राज्यों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल अगर AQI ज्यादा है तो बारिश के बाद एयर क्वालिटी में सुधार भी देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली में ठंड ज्यादा दस्तक देगी या फिर AQI लेवल बारिश की वजह से नीचे आएगा।